नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब पर। और हम लोग अपने आरआरबी एनटीपीसी की जो रेगुलर बेसिस पे क्लास यानी एमसीक्यू के फॉर्म में जो हम लोग चीजें प्रैक्टिस जिसे हम कह सकते हैं वो लेकर आ रहे हैं, और जो आप लोगों के रिव्यू और जो आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं वो हमें और लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करें, और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन उस अच्छे से अच्छा करने की कोशिश में जो सहयोग आपका चाहिए, जिसे हम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब के नाम पर जानते हैं, तो वो जितना ज्यादा और जितनी जल्दी आप हमको कर देंगे, वो सुविधा मुहैया करा देंगे, तो हम लोग और अच्छे से अच्छा, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो का आपको क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो सिक्वेंस चल रहा है हम लोगों का इंडियन पॉलिटी का और हिस्ट्री को लेकर, तो उसमें हम लोग आज अपनी जो चर्चा रखेंगे वो इतिहास के उस साम्राज्य पर या उस एक जगह पर जो मगध के नाम पर जाना जाता था। मगध, जिसकी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो ये आजकल का बिहार में पटना, गया, राजगीर ऐसे इलाकों को मिलाकर बनने वाला मगध साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज से राजगृह, राजगृह से पाटलिपुत्र बदलती चली गई। एक ऐसा दौर, अगर भारत की बात करें, भारत के राजनीतिक स्थितियों की बात करें, तो मगध वो है जिसने भारत के राजनीतिक परिस्थितियों को बढ़ाया, आगे बढ़ाया और इतना ताकतवर बनाया कि एक नए आने वाले समय में एक नए व्यवस्था को जन्म दिया जा सके। अब इस मगध साम्राज्य की बात करें अगर, तो कौन सा वंश से राजवंश की शुरुआत हो रही है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, जिसे हम लोग क्वेश्चनेयर फॉर्म में, जिसे एमसीक्यू का नाम देते हैं, उस फॉर्म में लेकर आए हैं। और हम लोग अब चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। जो हम लोगों का पहला सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी फर्स्ट रूल्ड मगध, यानी कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया है। हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद और मौर्य, इन चार में से सबसे पहला वो वंश कौन सा है जिसने मगध पर राजतंत्र की शुरुआत की, या जिसने मगध पर कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक छत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। तो वो राजवंश है हम लोगों का हर्यक वंश, ठीक है, जो हम लोगों का ए ऑप्शन है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, जिसकी स्थापना करने का काम किया गया बिंबसार के द्वारा। हम लोग अभी आगे सवाल में भी देखेंगे, यहां पर लिख भी लेते हैं, बिंबसार के द्वारा। इस वंश की जो शुरुआत होती है, हर्यक वंश की शुरुआत जो हो रही है वो 543 BC के आसपास हो रही है। कुछ किताबों में ये 542 भी लिखा मिलेगा, उससे परेशान मत होइएगा। कुछ किताबों में ये 544 भी लिखा मिलेगा, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल की तिथियों में थोड़े बहुत अंतर आपको मिल जाएंगे, तो उससे बहुत घबराने, बहुत परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। यानी इस वंश का जो संस्थापक है वो बिंबसार है। 543 से ये वंश शुरू हो जाएगा, जिसमें अजात शत्रु, उदयन, मुंडक, अनिरुद्ध ऐसे कई एक शासक हैं जो रूल करते आपको मिलेंगे। अब अगर बात किया जाए दूसरे वंश को लेकर, जिसका नाम हम लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जिसे हम लोग शिशुनाग वंश के नाम पर जानते हैं, तो देखिए हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है, जिसे हम लोग नाग दशक के नाम पर जानते हैं, उसे मार दिया है उसके ही अपने सेनापति ने, जिसको हम लोग शिशुनाग के नाम पर जानते हैं, और ये मगध पर रूल करने वाला दूसरा वंश हो जाएगा। देखिए यहां पर हम लोग देखते लिखते भी चलते हैं, हर्यक वंश पहला हो जाएगा, ठीक है, आपका शिशुनाग वंश जो होगा ये दूसरा हो जाएगा, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को, जिसे कुछ किताबों में नंदीवर्धन के नाम पर जाना जाता है, ये नाम कितना सही है और कितना गलत है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है, लेकिन जैसा कहीं एक मैंने पढ़ा है, कुछ किताबों में पढ़ा है कि शुड बी नंदीवर्धन वॉज लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, तो उसे मारने का काम किया गया है महापद्म नंद के द्वारा, जो कि नंद वंश का शासक हो जाएगा। तो जो तीसरा वंश आ जाएगा मगध की सत्ता पर वो नंद वंश हो जाएगा, और नंद वंश का अंतिम शासक जिसे हम लोग धननंद के नाम पर जानते हैं,
घनानंद के नाम पर जानते हैं, ऐसे शब्दावलियां मिलती हैं। कुछ जगहों पे धननंद लिखा है, कुछ जगहों पे घनानंद लिखा है, कुछ जगहों पे धनानंद लिखा है, उससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस धननंद अर्थात घनानंद अर्थात धनानंद को मारने का काम किया चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक नवयुवक ने, जिसका साथ दिया है उसके राजनैतिक गुरु ने, जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम पर जानते हैं। चाणक्य वही है जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य वही है जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो जो चौथा वंश आ जाएगा वो आपका मौर्य राजवंश हो जाएगा, जिसने मगध पर रूल किया है। तो ये बारी बारी से लगातार शासन करने वाले वंश हैं मगध पर, जिनमें सबसे गौरवशाली, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर जो रहा है वो मौर्य वंश रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत हुई, बिंदुसार और अशोक जैसे शासक ने रूल किया और अपने प्रशासनिक व्यवस्था और अपने सोच की वजह से इतिहास ने तो अशोक को महान तक की संज्ञा दी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का अगला सवाल है वो सवाल है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार, शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक पहले वाले सवाल में हम लोग ने देखिए इसकी चर्चा भी की है, और जब उस चर्चा को आप याद करेंगे तो फिर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं बनता है कि इसका आंसर जो होगा वो बिंबसार हो जाएगा। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार है, और ये बिंबसार ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शायद ये 15-16 या 7-17 साल का कुल मिलाकर, अगर हम लोग बहुत साधारण और छोटी भाषा में उल्लेख करें तो ये टीनेजर बॉय था जब इसके पिताजी, जिनका नाम किताबों में क्षेत्रोजस मिलता है, वो उनकी डेथ हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद इस नवयुवक को गद्दी पर बैठना पड़ता है। बिंबसार जिसका शासनकाल अगर हम लोग अभी चर्चा करें तो किया भी था हम लोगों ने 543 से लेकर 542 से लेकर 492 बीसी तक रहेगा। ठीक है, बीसी मैं इधर लिख देता हूं। ठीक, तो ये इसका शासनकाल हो जाएगा बिंबसार का, जिसे हम लोग इस वंश का संस्थापक भी मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसका बेटा है जिसे हम लोग अजात शत्रु के नाम पर भी जानते हैं, गद्दी पर बैठा है। एक सवाल और पूछा जा चुका है रेलवे जैसे एग्जाम में, उसको भी मैं यहीं पर बता दूं कि बिंबसार के बचपन का नाम क्या था, व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बिंबसार। तो बिंबसार के बचपन का जो नाम हुआ करता था वो था श्रेणिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेलवे में पूछा जा चुका है और भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसके बचपन का नाम श्रेणिक हुआ करता था। ठीक, अगले राजवंश की अगर बात करते हैं तो वो शिशुनाग वंश हो जाएगा, जिसका संस्थापक शिशुनाग है, जिसका नाम लिखा हुआ है, जो कि अपने पूर्ववर्ती हर्यक वंश के अंतिम राजा शिशुनाग को मारकर गद्दी पर बैठे। शिशुनाग वंश के बाद महापद्मनंद नए वंश की स्थापना कर देगा, जिसे हम लोग नंद वंश के नाम पर जानते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य का तो नाम हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भारत में एक राजनीतिक तंत्र को विकसित करने, और वो राजनीतिक तंत्र जो कहीं ना कहीं आज भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है, वो सिस्टम जो कभी इनके गुरु चाणक्य के द्वारा शुरू किया गया, वो हम लोग आज भी देखते हैं, फलीभूत होता हुआ देखते हैं। तो ये बड़े बड़े राजा थे, संस्थापक पूछा गया था हर्यक वंश का, जिसका नाम बिंबसार हुआ करता था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, फ्रॉम विच बुक इज द नेम ऑफ 16 महाजनपद, यानी 16 महाजनपद के जो नाम है वो किस ग्रंथ से मिलते हैं? अंगुतर निकाय, भगवती सूत्र, महाभाष्य या जातक ग्रंथ। तो देखिए 16 महाजनपदों के जो नाम मिलते हैं, आप देखिए इन चार ऑप्शन की अगर बात करें तो जो सबसे ऑथेंटिक सवाल ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं यहां पर, तो जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का अंगुतर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि 16 महाजनपदों का नाम किस किताब से मिलता है? अंगुतर निकाय से मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपदों का नाम भगवती सूत्र से, जो बी ऑप्शन है ना, इससे भी मिलता है, लेकिन मैंने एक शब्द जोड़ दिया है, ऑथेंटिक किस बुक को मानेंगे, किसको हम लोग सर्वमान्य रूप से स्वीकार करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया नाम
बौद्ध ग्रंथ है जिसे हम लोग अंगुत्तर निकाय के नाम पर जानते हैं। 16 महाजनपद का नाम भगवती सूत्र से भी मिलता है। भगवती सूत्र जैन साहित्य का जो आगम लिटरेचर है ना, जिसमें 12 अंग आते हैं, ये उसका हिस्सा है। महाभाष्य की अगर बात करते हैं तो महाभाष्य की किताब एक किताब है। इस किताब को लिखने का काम किया था एक बहुत बड़े ऋषि ने, जो कि पतंजलि के नाम पर जाने जाते हैं, फादर ऑफ योग, फादर ऑफ योगा फिलोसफी। तो योग के जो प्रतिपादक हैं, अक्सर लोग टीवी में आजकल देखते रहते हैं, आजकल योगा का बड़ा प्रचार चल रहा है, बाबा रामदेव ने इसको थोड़ा सा ग्लैमराइज कर दिया, टीवी पे बहुत ज्यादा इसका वो हो गया, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा काम किया। और उस जब वो चर्चा करते हैं तो देखिए, वो योग के गुरु जिन्हें हम लोग पतंजलि के नाम पर जानते हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वैसे ऐसा कोई अनजाना नाम नहीं है, आप सब लोग इस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि बाबा रामदेव अक्सर इसी नाम से अपनी एक पूरा बिजनेस भी चला रहे हैं और सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। पतंजलि एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे और ये जो है पुष्यमित्र शुंग, यानी मौर्य राजवंश के बाद जो शुंग वंश आएगा, उस पुष्यमित्र शुंग राजवंश के राजा पुष्यमित्र के राज पुरोहित भी हुआ करते थे और उनके द्वारा महाभाष्य और योग सूत्र नाम की दो किताबें लिखी गई हैं। इवन पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, उन 2 अश्वमेघ यज्ञ को भी पतंजलि के ही द्वारा, यानी ऋषि पतंजलि के ही द्वारा संपादित करवाया गया था। जातक ग्रंथ बौद्ध लिटरेचर है। जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था, तो जातक ग्रंथ एक बौद्ध लिटरेचर है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जीवन के, यानी कि उनके गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन के कहानियों का वर्णन है, जिनकी संख्या करीब 550 बताई जाती है। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपद। 16 महाजनपद थे, अंग था, मगध था, काशी था, वज्जी था, अश्मत था, गंधार था, पंचाल था, 16 महाजनपद थे। उनमें से एक महाजनपद है जिसका नाम काशी है, तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया गया है राजगृह, वाराणसी, चंपा, उज्जैन। चले भाई हम लोग ढूंढ लेते हैं और साथ साथ बाकी जो नाम है वो किस महाजनपद से जुड़े हैं उनका भी उल्लेख कर लेते हैं। तो काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो हम सब लोग जानते हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग, दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जिसे हम आजकल वाराणसी के नाम पर जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर है वो वाराणसी। तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। राजगृह की बात करते हैं, यहीं पर लिख भी लेते हैं, जो राजगृह महाजनपद आ रहा है ये आपका मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी, सबसे पहले गिरिब्रज हो जाएगी, उसे गिरिब्रज को नाम दे दिया जाएगा राजगृह, वाराणसी काशी का हो जाएगा, चंपा जो राज्य राजधानी है, जो चंपा लिखा हुआ नाम है, ये अंग महाजनपद की राजधानी है, ये बिहार में पड़ने वाला इलाका जिसे हम लोग भागलपुर के नाम पर जानते हैं, ये वहां पर आ जाता है। अगर उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन जो है ये अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती और उज्जैन से समझ रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है, तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन, जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में आता है। अंग की राजधानी चंपा, जो वर्तमान समय में बिहार में आता है। मगध की राजधानी राजगृह, जो कि आगे चलकर पाटलिपुत्र में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी आपका वर्तमान समय में बिहार में आता है। और काशी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में आता है। वाराणसी, मैंने भी आपको बताया, ये दुनिया का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग, यानी कि जिंदा शहर है आपका, दुनिया का सबसे पुराना। वाराणसी नाम, वाराणसी का नाम वाराणसी इसलिए है क्योंकि ये आपका 2 नदियों के किनारे है, जिसे हम लोग वरुणा और असी के नाम पर जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसका पूरा नाम जो है वाराणसी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, Who organized the first Buddhist council? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क? देखिए था क्या, हम लोग जब पढ़ रहे थे गौतम बुद्ध को, तो मैंने आपको बताया भी था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अलग अलग राजाओं के द्वारा
बौद्ध संगीति बौद्ध काउंसिल्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, चार हुई हैं और चारों में से अब पूछा गया पहला किस राजा के द्वारा आयोजित करवाया गया था। तो जो पहली काउंसिल हुई है वो हुई है गौतम बुद्ध के मरने के ठीक 3 महीने बाद, यानी 483 BC, ठीक है 483 ईसा पूर्व में। जिस जगह पर हुई थी वो जगह राजगृह, जो कि मगध की राजधानी है, और जिस एक राजा के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था वो थे अजात शत्रु, यानी हम लोगों का जो आंसर है वो आंसर अजात शत्रु है। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा नाम की जगह पर हुआ था, जिसको अजात शत्रु के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति पहली वाली बौद्ध संगीति के ठीक 100 साल बाद हुई थी, यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। जिस जगह पर यह बौद्ध संगीति हुई थी वो जगह थी वैशाली, और जिस एक राजा के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था वो था कालाशोक, यानी कि जो बी ऑप्शन है हम लोगों का वो हो जाएगा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे थे। तीसरी की अगर बात करते हैं तो तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, कुछ किताबों में 251 भी लिखा हुआ है, उससे परेशान कतई मत होइएगा। तो उसे ऑर्गेनाइज करवाया गया पाटलिपुत्र में राजा अशोक के द्वारा, जिसे हम लोग अशोका ग्रेट भी कहते हैं। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 1st century AD, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, जो कि कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी और जिसका नाम था कनिष्क। ठीक, तो ये चार बौद्ध संगीतियां बारी बारी से हुई हैं। ये चारों नाम चारों बौद्ध संगीतियों को आयोजित कराने वाले राजाओं के और क्रम से लगे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्रम से लगा हुआ है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है विच रूलर इज कॉल्ड पितृहंता, यानी कि किस शासक को पितृहंता भी कहा जाता है, बिंबसार, अजात शत्रु, काकवर्ण या महापद्मनंद। देखिए, पितृहंता शब्द जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पिता को मारने वाला, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी हो और पिता की हत्या करने के बाद वो गद्दी पर बैठा। तो देखिए, वो शासक था, वो नाम था अजात शत्रु। अब इसी सवाल को थोड़ा बदल देते हैं कि भारत के पहले उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो ध्यान रखिएगा, तो भी आपका नाम अजात शत्रु आ जाएगा, और चूंकि ये पापा को मारकर गद्दी पर बैठा इसलिए इतिहास को पितृहंता कहता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबसार को मारा, अजात शत्रु का बेटा उदायन है वो अपने पापा अजात शत्रु को मारता है, उदायन का बेटा मुंडक है वो अपने पापा को मारता है, मुंडक का बेटा अनिरुद्ध है वो अपने पापा को मारता है, अनिरुद्ध का बेटा नागदशक है वो अपने पापा को मारता है। यानी ये जो पूरा वंश है अगर इसे हम लोग पितृहंता वंश भी कह दे तो कोई गलत बात नहीं है, तो इसे हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पहले दो राजा यानी बिंबसार हर्यक वंश की स्थापना करने वाला राजा है, ठीक है, और अजात शत्रु उसका बेटा है। अजात शत्रु के बचपन का नाम मैं यहीं पर लिख देता हूं, तो अजात शत्रु के बचपन का नाम था कुणिक, ठीक है ध्यान रखिएगा, जबकि बिंबसार के बचपन का नाम श्रेणिक था, जो हम लोग पहले वाले सवाल में देख चुके हैं। ये दोनों ही शासक हर्यक वंश से जुड़े हुए हैं, बिंबसार संस्थापक है और अजात शत्रु उसी का बेटा है। काकवर्ण की अगर बात करते हैं तो देखिए, काकवर्ण और कालाशोक ये दोनों एक ही राजा हैं। कुछ किताबों में काकवर्ण लिखा जाता है, कुछ किताबों में कालाशोक लिखा जाता है। ये जिस वंश से आते हैं वो शिशुनाग वंश है, महापद्मनंद जो कि नंद वंश का संस्थापक बताया जाता है, और कहीं ना कहीं भारत में जो सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट है जैसे सिंचाई के लिए नहर वगैरह बनवाना, ये सारे काम महापद्मनंद के ही द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बड़े बड़े इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देता रहता हूं और दूंगा भी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हु वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ बिंबसार, बिंबसार का राज वैद्य कौन था, जीवक, पतंजलि, चरक, कालिदास। तो बिंबसार का राज वैद्य ध्यान रखिएगा वो था जीवक। ठीक, इस सवाल का जवाब जरूर याद रखिएगा। जीवक अपने जमाने के बहुत पहुंचे हुए वैद्य हुआ करते थे, जिंदगी की शुरुआत बड़ी मुश्किलों से भरी रही है, लेकिन अपनी योग्यता, अपनी मेहनत, अपने काबिलियत के बल पर जीवक ने एक बहुत बड़ा पद हासिल किया, ये बिंबसार के राजवैद्य तक बने। साथ ही साथ
ये गौतम बुद्ध के भी व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। और अवंती का राजा जो बिंबिसार का समकालीन हुआ करता था, जिसे हम लोग चंड प्रद्योत के नाम पर जानते हैं, उसका भी इलाज इन्हीं जीवक ने ही किया हुआ है। ठीक है, पतंजलि वही अभी आपको बताया, ये आपके पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित हैं और उनके प्रधान सलाहकार भी हैं। चरक की अगर बात करते हैं तो चरक राज वैद्य है, लेकिन चरक जिनके राज वैद्य है वो राजा है कनिष्क, कुषाण वंश का राजा है कनिष्क, तो कनिष्क का राज वैद्य चरक हो जाएगा। और चरक की किताब है जिसे हम लोग चरक संहिता के नाम पर जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा नाम लिखा हुआ है कालिदास, तो कालिदास ध्यान रखिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के समकालीन है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि भी हैं। कालिदास को कहा जाता है कि वो बचपन में यानी कि जीवन की एक अवस्था में वो मूर्ख हुआ करते थे, जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काट देते थे, काट चुके थे, ऐसी घटनाएं बताई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीवन में घटनाएं हुई जिसके बाद इन्होंने अपने व्यक्तित्व को अपनी मेहनत के बल पर इतना बड़ा कर लिया कि इनकी तुलना इंग्लैंड के बहुत बड़े इतिहासकार जिन्हें हम लोग विंसेंट स्मिथ के नाम पर जानते हैं, उन्होंने कालिदास की तुलना इंग्लैंड के बहुत बड़े लेखक, इंग्लैंड के बहुत बड़े विद्वान जिन्हें हम लोग शेक्सपियर के नाम पर जानते हैं, उनसे तुलना कर दी और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। Who was the last ruler of Haryak dynasty? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। देखिए अभी हम लोग काफी चर्चा कर रहे थे बिंबिसार के और उनके वंश को लेकर, और मैं बता रहा था कि जो शिशुनाग वंश आया उस शिशुनाग वंश ने के संस्थापक शिशुनाग ने अपने राजा जिसका नाम नागदशक है, जो कि डी ऑप्शन में हम लोगों का है, उसको मार कर वो गद्दी पर बैठा है। यानी हर्यक वंश का जो अंतिम राजा है वो नागदशक है, जिसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा की जाती है। बिंबिसार जो पहला नाम है ये फाउंडर है, अजातशत्रु दूसरा राजा है, उदयन तीसरा राजा है। ये तीन हर्यक वंश के पहले प्रसिद्ध राजा है और अंतिम जो राजा है वो नागदशक है, जिसे मारकर इस वंश को समाप्त कर दिया जाएगा शिशुनाग के द्वारा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है Who was the founder of नंद dynasty? नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आप जानते भी हैं, मुझे मालूम है कि आप इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्मनंद है। एक चीज को और ध्यान रखिएगा, नंद वंश भारत का पहला ऐसा वंश है जो कि शूद्र वंश है। यानी कभी आपसे पूछा जाए सवाल कि भारत के पहले शूद्र वंश का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला शूद्र वंश नंद वंश है। ठीक है ना, तो ये बताते हैं कि ये नाई हुआ करता था, बाल काटने वाला नाई था, जिसने अपने राजा के अयोग्यताओं का फायदा उठाते हुए अपने आप को काफी बड़े पद पर ले जाते हुए इस वंश को समाप्त करके, यानी कि शिशुनाग वंश को समाप्त करते हुए एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे नंद वंश के नाम पर जाना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है, शिशुनाग शिशुनाग वंश का संस्थापक है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो अंतिम सवाल भी है आज का, वो सवाल है Who was the ruler of Magadha during the महापरिनिर्वाण of गौतम बुद्ध? यानी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय, महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद। ठीक, अब देखिए हम लोग गौतम बुद्ध के उनके जन्म मृत्यु की डेट को यहां पर याद कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध साहब का जो जन्म हो रहा है वो हो रहा है 463 BC 463 ईसा पूर्व में, मृत्यु हो रही है
ठीक कर देता हूं मैं, ये जो डेट हो गई मैं फिर से बता देता हूं। उनका जो जन्म हो रहा है वो हो रहा है 563 बीसी 563 ईसा पूर्व में, जबकि मृत्यु हो रही है 483 ईसा पूर्व में। यानी जो टोटल ड्यूरेशन है उनके जीवन काल का वो है 80 इयर्स, 80 वर्ष का जीवन काल है गौतम बुद्ध साहब का। ठीक, अब इधर की ओर आ जाते हैं। बिंबसार की अगर बात करें तो बिंबसार का रूलिंग ईयर हम लोग ने लिया था और वो हो गया था 543 to 492 बीसी। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध जो है बिंबसार के भी समकालीन है लेकिन जीवित है, बिंबसार की डेथ पहले हो जा रही है। ठीक, अजात शत्रु के शासन काल की अगर बात करते हैं तो 492 to 460। ठीक है, थोड़ा तो ज्यादा किनारे की ओर चला गया है, मैं एक काम करता हूं, मैं अजात शत्रु का शासनकाल इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं उनका शासनकाल 492 492 से 492 से 460 ईसा पूर्व तक। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखिएगा, अब अगर हम लोग अजात शत्रु का शासनकाल देखते हैं, इसको अगर देखते हैं तो हम लोग क्लियरिफाई कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु देखिए 483 ईसा पूर्व यानी इस दो के बीच में हो रही है और इन दोनों वर्ष के बीच में जो शासक है वो शासक कौन है, अजात शत्रु। यानी गौतम बुद्ध की जब मृत्यु या महापरिनिर्वाण हो रहा है तो मगध का शासक कौन है, अजात शत्रु। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है और वैसे सिंपली, वो तो मैंने आपको ये डेट इसलिए लिख दिया ताकि आप चीजों को याद रख पाए अच्छे से, अगर कहीं कोई डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाए, नहीं भी याद रखेंगे डेट तो भी ध्यान रखिएगा कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो रही है तो भारत का या मगध का जो राजा है, भारत नहीं मगध का जो राजा है वो अजात शत्रु है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उदयन जो है तब तक गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है और वो जैन धर्म को भी मानता है, महापद्मनंद जैन धर्म को मानने वाला शूद्र वर्ण का शासक है, भारत का पहला या मगध का पहला शूद्र वंश का शासक है। ठीक, तो ये आज की क्लास थी जिसमें कई सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और आपके साथ और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लास को देखा, क्लास को सुना और उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो ध्यान रखिएगा, एक गुजारिश रहती है मेरी आपकी कि इन्फो कैप्सूल को लाइक और शेयर यानी अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिलता रहे, आप किसी भी तरह से किसी भी इन नोटिफिकेशन से अछूते न रह जाएं, क्योंकि ये क्लास ही नहीं ढेर सारे करंट अफेयर के इशू भी हम लोग अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो जिससे आप लगातार अवेयर रहें और अपने आप को परीक्षा के दौर में आगे रखें, आप जीते, आप सफल हो, आप जीवन में अपने जो भी आपने पैरामीटर सेट करके रखा हुआ है उसे प्राप्त करें। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।